ना ये बीच में रह गया था, तो इसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये यहीं पर लिखा हुआ भी है ना, 16 क्वेश्चन में ये दिया हुआ था हमें, ये जीपी में है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एबीसी जो होंगे वो जीपी के अंदर होंगे। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया था, ये जीपी में है ठीक है, तो ये टर्म भी जीपी में ही होगी क्योंकि तो इसमें कोई भी हमने ऑपरेशन नहीं कर रहा है, और सॉरी एपी में ठीक है, ये भी एपी में ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है। सिंपलीफाई, यहाँ पर भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है ना, कि ये भी एपी में ही रहेगा। यहाँ पर हम वन ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन ऐड करने के बाद भी डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर टर्म में अगर हम वन ऐड कर देंगे है ना, तो डिफरेंस वही बना रहेगा, तो वो भी एपी में ही रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए और ये सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये भी क्या होगा, ये भी एपी में ही होगा। अब हमने क्या काम किया ठीक है, वन ऐड करेंगे, तो वन ऐड करने के बाद ही मैंने ऐसे लेके इसको डायरेक्ट लिख दिया है ठीक है। तो यहाँ सब में हमने वन ऐड किया है, वन ऐड करने के बाद एलसीएम ले लिया है ना, तो एक स्टेप मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सभी के अंदर आ रहा है, तो हम सारे टर्म को जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी है कि एपी के अंदर हम सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी वो एपी में ही बना रहेगा ठीक है, अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो है ना, जरूरी नहीं है डिवाइड हो रहा हो। अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, वन अपॉन बी सी वन अपॉन सी ए और वन अपॉन ए बी, ये भी क्या होगा, ये भी एपी में ही होगा, विल बी इन एपी है ना, ये सेम सेंटेंस चला रहा है विल बी इन एपी। अब ये वाली जो टर्म आ रही है ये एपी के अंदर आ रही है, जैसे हमने बताया कि डिवाइड करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एपी में है तो एपी में ही बनना रहेगा। अब हमने क्या किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया सारी टर्म को, सारी टर्म को अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा ठीक है, ये सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा और बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, ये आया आपका ए बी और सी क्या होगा, विल बी इन ए पी। यही हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी में होगा ठीक है। अब अदरवाइज दूसरे तरीका क्या होता, ये ए पी में दिया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आप इक्वल रखते, इक्वल रखने के बाद है ना जो कंडीशन बनेगी, फिर हमें ये दिखाना पड़ेगा उस कंडीशन से कि बी माइनस ए बराबर है सी माइनस डी के। वैसे भी आप इसको कर सकते हो है ना, और ये आपका नया तरीका है, और तरीका है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कुछ नहीं होगी, सिंपल है, सिमिलेट्री है, जो इनकी जो टर्म लिखी हुई है वो सिमेट्री में है, तो सिमेट्री में क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पर हमने पहले क्या काम किया, ऐसे लिया, ऐसे लिखने के बाद देखो ऊपर ए आ रहा है फिर सी बी आ रहा है, तो बी आ रहा है फिर ए सी आ रहा है ना, तो इस तरीके से सिमिलरिटी बनी हो जाती है। इसके अंदर हमने क्या किया, सब में वन ऐड कर दिया, वन ऐड करने के बाद सबका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सबको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो बचा आपका ए बी सी विल बी इन ए सी ठीक है। क्योंकि एपी में आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस, उससे जो रिलेशन बन के आएगा वो ये प्रूव कर देगा कि बी माइनस ए बराबर हो जाएगा सी माइनस डी के, तब भी आप प्रूव कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कभी आप ये सोचो कि ऐसा कहाँ से कर दिया सर ने, तो ये भी एक तरीका है करने का, इसलिए मैंने ये बताया है ठीक है।
फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में जो दिया हुआ है 17 के अंदर, ये ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन है, और फिर बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन, सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन, ठीक है, ए बी सी डी जीपी में है, तो ये प्रूव करना है ये जो है जीपी में होंगे। ये तो दिया हुआ है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, बी इक्वल टू हमने ए आर लिख लिया, और सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, और डी इक्वल टू ए आर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन और डी पी टू दी पावर एन, इनका जो है ये क्या होंगी वाले टर्म आपकी जीपी में होंगी, है ना। तो इसका हम रेशो निकाल लें, है ना, तो ए टू दी पावर एन और इसके ले लिया हमने बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन, इनका रेशियो निकाल लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी की जगह हमने क्या पुट करा, ए आर, ए टू दी पावर एन हो जाएगा और आर टू दी पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। सी की जगह पुट किया हमने तो ए टू दी पावर एन हो जाएगा, आर टू दी पावर टू एन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, है ना, ये तो ए टू दी पावर एन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या पुट करा हमने बी की जगह ए आर पुट किया, ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर एन हो गया। यहाँ आप जो भी कॉमन ले सकते हैं वो आप कॉमन ले लो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं ए टू दी पावर एन, ठीक है, और आर टू दी पावर एन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका सिर्फ वन बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका आर टू दी पावर एन बचेगा, यहाँ पर आपका ए टू दी पावर एन कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचा वन प्लस आर टू दी पावर एन, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है आर टू दी पावर एन आ, ठीक है। तो ये जो टर्म दी हुई है उससे अगली वाली टर्म क्या है, वो सी रेशो निकाल रहे हैं, सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन का रेशो, इसके साथ निकाल रहे हैं डी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन, ठीक है। तीन टर्म दी हुई है, तो तीन टर्म दी हुई है तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया है और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया, उनका रेशियो अगर बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो ए पी हो जाएगा, तो बराबर ही आ जाएगा। आप जैसे वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करते हो, है ना, सी की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर टू एन हो जाएगा। ये आप कॉमन ले लो इसके अंदर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा वन प्लस आर टू दी पावर एन बचता है। यहाँ पर बी है तो बी में अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, P की वैल्यू जो है वो ए टू दी पावर एन है और आर टू दी पावर एन है, है ना, तो इसमें कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा वन प्लस आर की पावर एन आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, डिवाइड करा कितना आया आर टू दी पावर एन आ गया, यहाँ भी कितना आ रहा था, ये भी आर टू दी पावर एन आ रहा था। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि आर टू दी पावर एन आ रहा है, रेशियो जो है वही है, तो रेशियो अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, ये जो टर्म है आपकी ये किसमें होंगी, ये जीपी में होंगी, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, एक के रूट ए बी है, दूसरे के रूट सी डी है, और ये भी दिया हुआ है वेयर ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी जी पी के अंदर भी दिए हुए हैं, प्रूव दैट क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी है आपको, Q
क्यू प्लस सी और क्यू माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू प्लस सी और क्यू माइनस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये मैंने यहाँ लिख लिया, ए बी इसके रूट है, तो ये तो आपको टेन से ही पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे कितना हो गया थ्री हो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ए बी सी डी जो दिए हुए हैं वो जीपी में दिए हुए हैं, तो बी की जगह हमने क्या लिख लिया ए आर लिख लिया, ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया थ्री हो गया, यहाँ पर भी b की जगह a लिखते हैं तो a स्क्वायर r इज इक्वल टू पी हो गया, तो ये रिलेशन बन गया। इसी तरीके से हमने इसके अंदर रिलेशन बनाया, ये c प्लस d, तो c प्लस d कितना हो जाएगा c प्लस d 12 हो गया, और सी डी इज इक्वल टू कितना है q दिया हुआ है। ठीक है, तो c की जगह हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए आर क्यू इजिकल टू 12, सी की जगह पुट किया हमने ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू इजिकल टू क्यू होगी। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं अगर हम तो क्या बचेगा 1 प्लस आर बचेगा इक्वल टू 12। यहाँ पर हम a कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों डिवाइड कर लें, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं डिवाइड करना चाहते हैं हम 1 प्लस r 12 इक्वल डिवाइडेड बाई a 1 प्लस आर इक्वल टू 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जो 12 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 ले सकते हैं जब r की वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालेंगे, मान लो यहाँ पर 2 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2, जब a की वैल्यू 1 रखेंगे और r की वैल्यू 2 रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी हो गई, इसके अंदर पुट किया हमने तो p इक्वल टू हो जाएगा, p इक्वल टू कितना हो गया a की जगह 1 r की जगह 2, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 2 आ गया। इसी तरीके से हमने q की वैल्यू निकाली, q किसके बराबर है, q बराबर है a r टू दी पावर 5, है ना, a की जगह 1 रखा और r टू दी पावर 5 का मतलब 32 हो गया। ठीक है, p और q की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें क्या निकालना था, q प्लस p और q माइनस p का रेशियो निकालना था, तो q माइनस p का जो रेशियो निकालेंगे q इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दी पावर 5 यानी कि 32 हो गया। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आपको पुट करनी है, तो 32 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 34 हो गया, और 32 माइनस 2 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। 2 से डिवाइड करना चाहो तो 2 से डिवाइड करके 17/15 लिख सकते हो, ये शायद इसे प्रूव करना है, हमें जो है ये प्रूव करना था q प्लस p और q माइनस p का जो रेशो होगा वो 17/15 होगा, तो ये हमने इस तरीके से किया। इसको दोबारा देख लो, इसमें कुछ इन्होंने बोला था कि a b इसके रूट हैं, तो हमने सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाया, और ये भी गिवन था कि a b c d g p में है, जीपी में है तो बी ये किसके बराबर हो गया, हमने ए आर कॉमन रेशो को आर ले लिया, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए आर, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आर की वैल्यू और ए की वैल्यू पता चल गई, जब आर और ए की वैल्यू पता चल गई ये वैल्यू हमने इसके अंदर पता कर दी, सी और क्यू की वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों वैल्यूज में जो मैंने सर्किल किया हुआ है इनके अंदर ए और r की वैल्यू पुट कर दी।
इससे हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई। पी और क्यू की वैल्यू पता चलने के बाद हमारा जो रेशो निकालना था वो हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन हमने किया एक टीम। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 देखो, 19 में है द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज एम रेशियो एन। तो शो करना है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी शो करना है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो एम रेशो एन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। इन दोनों नंबर का जो है जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है उसका रेशो दिया हुआ है ना, वो एम रेशो एन दिया हुआ है। अब हमें ए और बी का रेशो निकालना। अब क्योंकि एक ही कंडीशन दी हुई है तो एक कंडीशन से जो है ना हम ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। अब हम ये कोशिश करेंगे फिर ए और बी का रेशो फाइंड आउट हो जाए। तो इसको हमने क्या किया, ए प्लस बी ये टू रूट ए बी ये एम अपॉन एन है। ये हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज द्वारा कर रहे हैं। जहां पर भी हमें कभी रेशियोज में सॉल्व करना होता है ना वहां पर हम रेशियोज का यूज करते हैं। बाई सी एंड डी, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इक्वल टू, यहां पर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन इस तरीके। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया है ना, इकट्ठे लगा दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो यही वाले टर्म होंगे। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया था, इस वाली जो टर्म थी है ना इसको हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो जो अप्लाई किया था यहाँ पर भी हमने अप्लाई कर लिया कंपोनेंट और डिविडेंडो। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड का हमने इस दोनों सेट करने से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसमें एज इट इज रहने दिया, इसमें और कुछ नहीं किया। अब हमने क्या किया, दोनों सेट का स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यानी कि ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर रूट एम प्लस एम अपॉन रूट एम माइनस एम। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, सिर्फ हमने क्या किया दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ का तो स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म भी स्क्वायर रूट में आ गई, ये टर्म भी स्क्वायर रूट में आ गई। अब दोनों साइड का फिर हमने स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे तो क्या लिया है हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे इसकी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद जब आप स्क्वायर करोगे
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। ये काम करते हैं, पहले कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं इसमें, स्क्वायरिंग अभी नहीं करते है ना। अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग द्वारा से, पहले हम अप्लाई कर चुके थे, द्वारा हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई किया था, उससे क्या होगा जब रूट ए और रूट ए तो ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट ए डिवाइडेड बाई टू रूट बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जब हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो ऊपर प्लस में भी आएगा और नीचे माइनस में भी आएगा, इसमें टर्म बढ़ जाएंगी, ये एम प्लस एन ठीक है प्लस एम माइनस के एन। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, ठीक है यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, सिर्फ हमने अप स्क्वायरिंग करी थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये a अपॉन b आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab, जब 2ab करोगे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, जब यहाँ पर करोगे आप तो ये m प्लस n एम माइनस एन माइनस के टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एन से एन तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी एन से एन ही कैंसिल हो, तो यानी कि कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर टू एम आ रहा है और टू आ रहा है, तो टू कॉमन ले लिया हमने तो ये हो जाएगा एम प्लस रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल हो, ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है, एम माइनस के एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2019 वाला है ना, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, हमें दो बार इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना पड़ा है, तो ये प्रूफ तो ठीक हो गया है। अब इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार और, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो एम अपॉन एन, तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर का ए और बी का क्या होगा ए प्लस बी अपॉन टू, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा, उनका रेशियो है एम अपॉन एन दिया हुआ ठीक है। तो इसमें हमने जो है a प्लस बी टू रूट ए बी इजिकल टू एम अपॉन एन है ठीक है, तो c एंड d अपने अप्लाई कर दिया है कंपोनेंट और डिविडेंड, तो a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी ए प्लस बी माइनस के टू रूट ए बी है ना। उसके बाद हमने क्या किया इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले इसको होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया, जबकि ये है ना जो नंबर है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो रूट ए का स्क्वायर बना दिया इसको हमने, बी को रूट बी का स्क्वायर बना दिया, फिर टू ए बी होता टू ए बी वाले टर्म तो हमारे पास अवेलेबल थी, फिर हमने क्या किया दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया तो इस साइड का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा ठीक है। फिर द्वारा हमने फिर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया, क्योंकि हमारा मकसद क्या है ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना, यानी कि ए और बी दोनों डिविजन में आ रहे हैं, तो हमने फिर ये स्क्वायर रूट में आ रहा था, फिर इसका दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ा ताकि ये स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाए। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर बेटा तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी बी सी डी आर इन जी पी वन अपॉन, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20 है
ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। फिर है आपका बी सी डी आर इन बी पी, बी सी डी आर इन जी पी। फिर है आपका वन अपॉन सी वन अपॉन डी वन अपॉन ई, वन अपॉन सी वन अपॉन डी वन अपॉन ई आर इन ए पी। ये तीन कंडीशन दी हुई है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ए सी ई आर इन जी पी, ये प्रूफ करना है। आया हमें तीन कंडीशन दी हुई है, फोर्थ हमें प्रूफ करनी है। इसे प्रूफ करने के लिए जो हमें दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी दिया हुआ है, तो क्या होगा? डिफरेंस बराबर होता है, यानी कि टू बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन होगी, है ना? ये अगर ए पी में है तो बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस डी के, यानी कि कितना हो गया? टू बी इजिकल टू ए प्लस सी हो गया, बी इजिकल टू ए प्लस सी अपॉन टू लिख दिया। फिर बी सी डी आर इन जी पी दिया हुआ है, तो बी सी डी ए जी पी में दिया हुआ है, तो सी अपॉन बी बराबर होगा डी अपॉन बी के, है ना? यानी कि क्या मतलब है कि सी अपॉन बी बराबर होगा डी अपॉन सी के, यानी कि क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इजिकल टू बी डी हो गया। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब ये दिया हुआ है आर इन ए पी, ये एपी में दिया हुआ है, तो एपी में जैसे हमने उसमें कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन लगाई कि वन अप जो बीच में आ रही है टर्म, ठीक है, उसको अलग कर लो आप। वन अपॉन डी बराबर होगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई डिवाइडेड बाई टू, यानी कि अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो एलसीएम कितना आ जाएगा? सी ई आ जाएगा, टू सी ई या ई प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर लिखना चाहें अगर हम, तो डी बराबर लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? टू सी ई अपॉन ई प्लस सी। ये हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड का, वन अपॉन डी का भी रेसिप्रोकल डी हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर को डिनोमेटर में और डिनोमेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, दोनों ही साइड में। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ए सी आर इन जी पी। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, सेकेंड वाली इक्वेशन है आपकी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये वाली इस इक्वेशन में हमने क्या किया? सी स्क्वायर बी की जगह तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, कितनी हो जाएगी? ए प्लस सी अपॉन टू। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये हो जाएगी आपकी टू सी अपॉन ई प्लस सी, ये पुट कर दी, ये टू से टू कैंसिल हो गया। ये सी स्क्वायर है, जब ये सी स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? ये ए सी ई आ जाएगा, ठीक है। फिर टू से करेंगे कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर ई आ जाएगा, तो वो सी सबके अंदर आ रहा है, तो सी से आप डिवाइड कर दो, है ना? सी से अगर हम डिवाइड करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी तो करनी पड़ेगी, ये तो हमने जो मल्टीप्लाई की है ऊपर की है, तो सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसे भी करनी पड़ेगी, है ना? और सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस सी से भी करनी पड़ेगी, तो सी क्यू आएगा और सी स्क्वायर ई आ जाएगा। ये तो सी से तो सबको डिवाइड कर दो, है ना?
सी तो सभी के अंदर आ रहा है, सी से अगर हम डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस के सी, ये हो जाएगा ए प्लस का कितना हो गया ये सी हो गया। अब सी से सी कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, सी स्क्वायर इजिकल टू आया आपका ए। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए ही आ रही है। अब सी स्क्वायर इजिकल टू ए ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, रेशियो जो है अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सी स्क्वायर इजिकल टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया ए सी ही आ रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो हमें दिखाना है। यहाँ से आप देखो भाई, अगर आप लिखते हो c अपॉन a बराबर हो जाएगा e अपॉन c के, e अपॉन c के, यही हमें प्रूव करना है। c स्क्वायर तो ए सी ही आ रही डीपी, तो इसको हमने कैसे किया है देखो, दोबारा देख लो आप, जो तीन कंडीशन थी पहले हमने उन कंडीशन को लिख लिया कि ए बी सी आ रही है एपी, ए बी सी अगर एपी में है ठीक है तो क्या होगा, उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो बी हमने बी को ए और सी की टर्म में निकाल लिया, फिर बी सी डी आर इन जी पी है तो यहाँ पे हमने तो सी स्क्वायर को भी बी डी की टर्म में निकाल लिया ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ था ये किस में है, ये ए पी में है, तो यहाँ पर हमने डी को ए सी और ई की टर्म में निकाल लिया। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, तो तीन कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, सेकंड वाली इक्वेशन बीच वाली को यूज कर लिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि बी की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है और डी की वैल्यू भी निकाली हुई है, दोनों की वैल्यू जो है इसके अंदर हमने पुट कर दी, तो पुट करी, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ सी अपॉन ए बराबर है ई अपॉन सी के, यानी कि इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो को बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए सी आर इन जी पी, यही हमें प्रूफ करना था। किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, देखो बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तो बता दिया, 21 का जो है ना ये वाले क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपको, इस पर 88 आया था और 77 आया था है ना, ये क्वेश्चन हमको पहले दिया भी था करने के लिए है ना, कि यहाँ तक 21 तक ही आपके सिलेबस में रहेगा, 22 23 ये जो है आपके सिलेबस से हट गया है, तो आप 21 तक का आपका एग्जाम में जो आएगा आपका 21 क्वेश्चन तक आएगा ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नीचे क्वेश्चन तो कुछ है जो सिलेबस के अंदर आते हैं, लेकिन हम जो 21 तक ही आपको देंगे, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये जो चैप्टर 9 है ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस से हटे हुए हैं ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी टाइम बचता है तो मैं आपको इसका 21 का सेकेंड पार्ट बताने की कोशिश करता हूँ ठीक है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, सिलेबस एग्जाम में जो आएगा 21 तक आएगा, ये आपका पॉइंट 6 है, पॉइंट 66 ठीक है, इसका हमें जो है सम फाइंड आउट करना है। एंड सो तो पहले तो आप क्या काम करोगे, 6 कॉमन ले लोगे, 6 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 6 कॉमन का मतलब सिक्स से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद ये 0.11 होंगे, ये 0.111 हो जाएगा, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। फिर हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो जाए, तो 0.99 यहाँ पर आ जाएगा, 0.999 हो जाएगा, जैसे उसमें किया था सेम उसी तरह, बस ये पॉइंट में आ रहा है, कितना फर्क है, तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस के 0.1 ठीक है, 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस के 0.01, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 0.001
वन लिख सकते हैं एंड सो यहाँ आप देख रहे हो कि सिक्स अपॉन नाइन है, वन कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है, तो इन सबका सम तो एन हो गया। बाकी जो टर्म बच रही है ये जो आ रही है ठीक है, ये पॉइंट वन है, ये इनको हमने माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पॉइंट जीरो वन है, इसी तरीके से जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एंड सो ये हो जाएगा। तो ये सिक्स अपॉन नाइन ये एन है ना। यहाँ पर हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो रेशियो कांस्टेंट, इसको इससे डिवाइड करते हैं या इसको इससे डिवाइड करते हैं, हमेशा कितना आएगा पॉइंट वन आएगा है ना। आप डिवाइड करते हो जैसे पॉइंट जीरो वन को डिवाइड करोगे पॉइंट वन से है ना, डेसिमल से डेसिमल रिमूव करा तो वन अपॉन टेन का मतलब कितना हो गया पॉइंट वन टू दी पावर एन हो जाएगा और वन माइनस के एन हो जाएगा, एन आर वन माइनस के आर हो जाएगा। आर कितना है वो आपका ही है, फर्स्ट टर्म हो रहा है कि फर्स्ट टर्म कितनी है पॉइंट वन ठीक है, जीरो पॉइंट वन लिख लो, तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया। आप इसके आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिक्स अपॉन नाइन एन हो गया है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा माइनस के पॉइंट वन है ये सिक्स अपॉन नाइन पॉइंट वन, ये जो माइनस करेंगे ना तो पॉइंट नाइन आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ वन माइनस के जीरो पॉइंट वन टू दी पावर एन, या वन अपॉन टेन लिखा हुआ हुआ आंसर में तो आप वन अपॉन टेन लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर हो गया सिक्स एन अपॉन नाइन माइनस के सिक्स अपॉन एट्टी वन और वन माइनस के जीरो पॉइंट वन टू दी पावर एन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डेसिमल वाला पहले नहीं आया था तो डेसिमल वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर बेटे याद रखना 21 तक आपको करने हैं अभी फिलहाल है ना, बाकी आपके जो एग्जाम के हैं एग्जाम के बाद से देखेंगे और कौन से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से कराने हैं, क्योंकि ये 22 23 24 25 तो आपके सिलेबस में हट चुके हैं ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन है जो कि हम कर सकते हैं, 26 तक तो करने ही नहीं है, 22 से लेके 26 तक ठीक है, ये आप नोट कर लो, यहाँ तक आप ठीक से रिवाइज करना, एग्जाम में हर तरीके क्वेश्चन मिलेंगे है ना, क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे कुछ इजी होंगे।